तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको ये वाले टॉपिक क्लियर करवा दिए थे, जिसमें मैंने आपको HTML स्टार्ट कैसे होता है, बॉडी को कैसे कलर दिया जाता है, HTML को स्टार्ट करने के क्या रूल्स होते हैं, हमारी लाइन कौन सी होती है, यानी HR क्या है, सेंटर क्या है, ऐसे छोटे छोटे जो स्टार्टअप के लिए टैग की ज़रूरत होती है, और BR क्या होता है, HR क्या होता है, इनका क्या इस्तेमाल होता है, मैंने पिछले चैप्टर में क्लियर करा दिया था। तो ये हमारी पिछले चैप्टर की आउटपुट है। आपको पता लग गया था कि यहाँ पे टाइटल शो होता है और यहाँ पे हमारे जो मैटर होते हैं यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, यानी हमारी बॉडी है। तो आज इस चैप्टर में मैं आपको कुछ नए टैग्स और उनके क्या यूज़ हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, उसके बारे में वीडियो है। आज हम सेकंड चैप्टर में सबसे पहले कुछ नए टैग्स के इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहीं पे यानी हेलो पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया टैग शुरू किया, या बी बी मतलब बोल्ड। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जब आप इसे सेव करके उधर जाके, यानी सेव करना मैंने पहले बता दिया था कि अगर आप ओल्ड फाइल पे वर्क कर रहे हो तो कंट्रोल एस प्रेस करोगे, और वैसे भी नवी फाइल पे सेव करना पड़ेगा आपको, और एक्सटेंशन हमारी डॉट एच टी एम एल लगेगी, नेम आपका कोई भी हो सकता है। जब मैं इसको रिफ्रेश यानी F5 कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया, यानी स्टैंडर्ड वर्ड से थोड़ा सा मोटा हो गया है, क्योंकि मैंने बी लगाया और बी का मतलब बोल्ड होता है। मैंने यहाँ पर एक नया टैग लगाया आई मतलब इटैलिक, और इटैलिक से क्या होगा कि आप वहाँ पे देखोगे, जब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो इसे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, हमारा इटैलिक हो गया, यानी तिरछा हो गया। नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे लगाया यू, यू मतलब अंडरलाइन। तो तीन टैग्स मैंने अभी नए बताए आपको, बी मतलब बोल्ड, आई मतलब इटैलिक, और यू मतलब अंडरलाइन। तो आप इसे सेव करके वैसे ही जब आप इसे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि हेलो फ्रेंड्स के नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। पर एक यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि आप गौर करोगे कि मैंने सिर्फ हेलो फ्रेंड्स आपको डिस्प्ले किया है, बट आप देखो यहाँ पे जो मेरे बाकी वर्ड लिखे हुए हैं तो वो भी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हो गया। उसका रीज़न क्या है कि आप यहाँ पे गौर करो कि मैंने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन स्टार्ट कर दिया है, बट मैंने इसे कहीं पे क्लोज नहीं किया, यानी जब हम किसी टैग को क्लोज नहीं करते हैं तो वो पूरे के पूरे मैटर पे अप्लाई हो जाता है। तो फर्स्टली क्या है कि मुझे अगर हेलो फ्रेंड्स को ही एक स्टाइल और कंडीशन लगानी है तो मुझे ठीक इसके बाद ये क्लोज करने पड़ेंगे, यानी मैं बी स्लैश डाल के, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया था कि अगर हम स्लैश डाल देते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप आई क्लोज करोगे और लास्ट में यू क्लोज करोगे। बट अगर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन ये हो कि मुझे सिर्फ अंडरलाइन और बोल्ड ही पहले हेलो फ्रेंड्स को अप्लाई कराना है, बाकी जो इटैलिक है वो सभी पे अप्लाई हो, तो आप यहाँ पे इटैलिक क्लोज नहीं करोगे, फिर आप उसे रब कर दोगे। और अगर आपने क्लोज करना है यानी आपको आगे स्टाइल नहीं चाहिए तो आप इसे वापस वैसे करोगे, और वैसे ही फाइल को सेव करके आप यहाँ पे जाके देखोगे, जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपके सामने स्टाइल है, बट यहाँ पे आप देखो स्टाइल नहीं है, यानी वो टैग हमारा वहीं पे ख़त्म हो गया। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपकी अपनी चॉइस है, आपने जिस मैटर पे अप्लाई करना है वहाँ पे लगा सकते हैं। हमारे फ़ॉन्ट्स का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है यहाँ पे, तो मुझे हेलो फ्रेंड्स को थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ पे हम एक नया टैग लगाएंगे फॉन्ट। फ्रेंड्स, ये टैग क्या करता है कि ये आपके जो वर्ड लिखे होते हैं उनको स्टाइल, यानी आपने अगर वर्ड एक्सेल चलाया होगा तो आप उसमें से फॉन्ट स्टाइल की कमांड यूज़ करते हैं, वही चीज़ ये यहाँ पे अप्लाई करता है। तो हम यहाँ पे लगेंगे फॉन्ट फेस, क्योंकि HTML में फेस की कमांड यूज़ होती है, और फॉन्ट फेस लिखने के बाद आपको फेस, यानी फेस मतलब लुक, कौन सा स्टाइल चाहिए, तो आपने यहाँ पर लिखना इक्वल इन्वर्टेड कॉमा स्टाइल। अब यहाँ पर स्टाइल का नेम आता है कि स्टाइल का नेम कौन सा होगा, तो इसके लिए आपको मैं तीन तरीके बता रहा हूँ। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो तो आप क्या करोगे, नोटपैड प्लस प्लस में सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में होता है स्टाइल कॉन्फ़िगर, फ्रेंड्स याद रखना प्रेफरेंस में है, उस नीचे है स्टाइल कॉन्फ़िगर, आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक होगा डिफ़ॉल्ट स्टाइल, याद रखना फ्रेंड डिफ़ॉल्ट स्टाइल, तो यहाँ पे आपके पास लिखा है फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे यहाँ देखो आपके पास लिखा है फॉन्ट स्टाइल, तो आपने यहाँ पे जाके इस स्टाइल को चूज़ कर लेना जो भी आप लैंग्वेज करना चाहते हैं। बट फ्रेंड्स ओके नहीं करना है, क्योंकि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, या फिर आपने अपना सिर्फ जस्ट फॉन्ट का नेम याद रखना है। अगर आपको यहाँ से कोई परेशानी आती है नाम लिखने में, क्योंकि यहाँ से कॉपी वगैरह नहीं होते, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, वो ज़्यादा ईजी है, इससे आपने इसको कैंसिल कर देना है। आपने क्या करना है, नोट पैड सिंपल अगर आपके पास है तो आप उसे ओपन कर लो, और उसमें फॉर्मेट के ऑप्शन होते हैं और यहाँ पर एक फॉन्ट होता है, यहाँ पे आप देखोगे आपके पास स्टाइल आ जाएंगे, आपने जो भी स्टाइल पसंद करना वो आपको सामने दिख रहा है कैसे लुक आएगी उसके, तो लाइक मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसे कॉपी कर लेना है,
सिंपल सा स्टाइल है, आप कॉपी करके इसे यहाँ से कैंसिल कर दो और अपने नोटपैड में आके इस जगह पे इसको पेस्ट कर दो। अगर आपको नाम याद है, जैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं छोटे से होते हैं तो आप लिख सकते हो, अगर बड़े नाम है तो ऐसे कॉपी करके इसे पेस्ट कर दो। इसके बाद क्लोज एंड देन टैग क्लोज। अब आप इसे कंट्रोल ऐसे सेव करोगे, F5 करना है तो आप देखोगे कि आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, और यहाँ पे भी और इधर भी। तो जो नॉर्मल फॉन्ट थे उनका स्टाइल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आता है कि वही जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे इनका स्टाइल अलग चाहिए और इसका स्टाइल अलग चाहिए, और इसका थोड़ा सा साइज भी बड़ा करना है मुझे। हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक कमांड लगाएंगे, पहले साइज। तो मैंने HR में भी बताया साइज होता है, अब साइज यहाँ पे PT के हिसाब से भी दे सकते हैं। अगर आपको अभी PT या पिक्सल नहीं समझ आ रहा है, ज़्यादा डाउट्स होते हैं, तो फिलहाल मैं पहले सिंपल आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे दो। और जो फॉन्ट का साइज होता है HTML में 1 to 7 तक होता है। 1 सबसे छोटा होता है यानी सबसे स्मॉल होता है, और 7 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो लाइक मुझे 7 स्टाइल चाहिए यानी 7 नंबर स्टाइल चाहिए, तो मैंने स्टाइल दे दिया। अगर इसका कलर भी देना है तो अब यहीं पर कलर लिखोगे, तो यहीं पे आप कलर की कमांड लिखोगे इक्वल इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट। तो लाइक मुझे अपने वर्ड का कलर ब्लू चाहिए, तो मैंने ब्लू लिख लिया और इसे क्लोज कर दिया। देन इसको सेव, ब्राउजर में जाके जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो कलर है हेलो फ्रेंड्स, वो हेलो कलर भी चेंज हो गया और बड़ा भी हो गया, पर नीचे भी हो रहे हैं। तो मैंने बताया था कि हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो हम पहले उसे क्लोज करते हैं। तो ठीक, हेलो फ्रेंड्स के बाद यानी मेरी जो ये यहाँ पे मैंने ये क्लोज़ किया था, यहीं पे मैं इसे फॉन्ट को क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने फॉन्ट क्लोज कर दिया, देन सेव, और अगेन यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर मेरा ये बड़ा है जबकि यहाँ पे मेरा क्या है, छोटा हो चुका है। तो इस तरह मेरा फॉन्ट का टैग वर्क करता है। मैं इनको भी पहले स्टाइल दे देता हूँ, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो, आप इसी को कॉपी कर लो स्टाइल। हम इसे सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, देन मुझे वेलकम टू चिप गाइड से देना है, तो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मुझे इसका कलर बदलना है, तो मैंने कलर भी इसका चेंज कर दिया कि मुझे ग्रीन कलर में चाहिए, और जो फॉन्ट का साइज है वो थोड़ा सा छोटा यानी 6 नंबर चाहिए, और ये स्टाइल भी मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसका स्टाइल भी चेंज करूँगा। देन आपने वहीं, और अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस आपको नोटपैड आपको नहीं दिख रहा है तो आप एमएस वर्ड से भी कॉपी कर सकते हैं। मैं एमएस वर्ड से भी करके दिखा देता हूँ कि एमएस वर्ड पे भी हमारे पास ऑप्शन होती है यहाँ पे ये स्टाइल की। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ से आपको जो स्टाइल पसंद आता है आप उसे कॉपी कर लीजिए। जैसे काफ़ी सारे स्टाइल हैं तो मुझे ये वाला चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लेते हैं। स्टाइल कॉपी हो गया, देन आप अपने नोटपैड प्लस प्लस में आइए और ठीक इस जगह पे इसको पेस्ट कर दीजिए। देन उसके बाद आपने सेव करना है, और यहाँ पे आके आप देखोगे अब रिफ्रेश किए हुए तो आपका जो स्टाइल है वो बदल चुका है, यानी ये आपके ब्लू कलर में आ रहे हैं और ये ग्रीन कलर में आ रहा है। यहाँ पे भी एक चीज़ आती है कि अगर आपको वेलकम टू स्टाइल मुझे यही चाहिए, बट वेलकम टू जो लिखा हुआ है इसका कलर ग्रीन रखना है, चिप गाइड को मैंने रेड कलर में देना है और कंप्यूटर फिर मुझे ग्रीन चाहिए। तो ये चीज़ कैसे की जाती है, तो इसके लिए क्या करना है मुझे, सेम, क्योंकि मुझे स्टाइल नहीं सिर्फ ओनली कलर बदलना है, तो मैं सेम स्टाइल को कॉपी करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि मुझे क्या करना, मेरा क्वेश्चन था कि मुझे वेलकम टू जो है उस चीज़ को क्या करना है कि वेलकम टू सेम कलर में रहेगा, तो मैं वेलकम टू से पहले एक फॉन्ट को बंद करूँगा, यानी जो ऊपर वाली कमांड है वो यहाँ पे डिसेबल हो गई। देन मैं यहीं पर उसको पेस्ट कर देता हूँ, किसको, नए स्टाइल को, यानी पहला फॉन्ट क्लोज हुआ मेरा, और देन यहाँ मैं एंटर दबा देता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। वेलकम टू के बाद फॉन्ट क्लोज हो गया क्योंकि स्टाइल और लुक मुझे सेम चाहिए थे, सिर्फ ओनली कलर बदलना है, तो मैंने इसका कलर क्या है ग्रीन की जगह पर रेड कर दिया। देन उसके बाद चिप गाइड के बाद मुझे फिर वही स्टाइल चाहिए, तो मैं फिर यहाँ पे पहले फॉन्ट क्लोज करूँगा, और आपके पास कंप्यूटर बचता है तो आप अगेन फिर क्या करोगे, फिर उसी स्टाइल को पेस्ट करोगे, यानी ग्रीन रेड ग्रीन, और स्टाइल सेम था तो आपने उसे ही पेस्ट कर देना है।
देन उसके बाद अगेन मेरा फॉन्ट, और आगे अगर आपको स्टाइल दिखाना है यानी जो तीसरी लाइन है उसको, तो फिर आप यहाँ पे फॉन्ट बंद नहीं करोगे और इसे सेव करोगे। देन अपने पेज पे आने के बाद यानी यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि वेलकम टू में सेम कलर आ गया है, और आपके पास जो चिप गाइड है वो आपका रेड कलर का हो चुका है, और कंप्यूटर फिर आपका वैसे हो चुका है। थर्ड लाइन को भी चेंज करने, तो एक हम नया फॉन्ट स्टार्ट करेंगे और उसको नए कलर और नया स्टाइल लगाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर किसी तरह का डाउट है तो चैप्टर को दोबारा समझ लीजिए। अब हमें एक नई चीज़ सीखते हैं। जैसे मैंने 106 लिखा तो मुझे इसे पावर में शो करना है। अगर मैं इसे सिंपल सेव करता हूँ और उधर जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 106 आ गया यहाँ पे। तो एक तो मुझे पहले नीचे चाहिए, तो नीचे के लिए मुझे क्या करना है, मैंने पहले ही चैप्टर में क्लियर करा दिया है। पहले एक BR लगा लेता हूँ। तो जैसे आप सेव करोगे आप देखोगे कि 106 यानी 106 है वो नीचे आ चुका है, बट मुझे ये स्केयर यानी पावर के रूप में दिखाना है कि 10 की पावर 6 है तो उसे, या 10 की पावर 2 दिखाना है तो आपने जैसे 2 टाइप कर दिया, तो ये देखने में 102 लग रहा है बट मुझे इसे पावर शो कराना है। तो अब यहाँ पे एक नया टैग शुरू करेंगे, इससे पहले SUP, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और ठीक इसके बाद SUP क्लोज हो जाएगा। तो आप देखोगे 10 की पावर 2 बन चुका है यहाँ पे। फ्रेंड्स आप देख रहे हो गौर करके, आपका जो 10 की पावर क्या है 2 बन गया है। अब मैं यहाँ पे एक नया टैग फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मुझे H2O लिखना है, यानी H2O यानी हमारा जो वाटर का वो होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2O लिखने के लिए मुझे 2 को नीचे लगना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नया टैग SUB सबस्क्रिप्ट, और देन यहाँ पे SUB क्लोज हो जाएगा। देन सेव, एंड अगेन इधर जाके आप इसे जैसे F5 करोगे तो देखो H2O आ जाएगा। तो है ना HTML कमाल की चीज़, यानी बाय लैंग्वेजेस यानी बाय टैग्स ही हम इन्हें स्टाइल, कलर और काफ़ी कुछ दे सकते हैं, और जिन लोगों ने डिज़ाइनिंग सीखी हुई है उन्हें ये और अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ये इंटरेस्टिंग है। IQ लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हमें करने में बहुत मज़ा आता है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर और फॉन्ट फेस यानी आपका साइज, स्टाइल और कलर, तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में बता दिया है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ मुझे जैसे नाउ आई स्टार्ट है तो स्टार्ट के नीचे HTML स्टार्ट को मैंने अंडरलाइन करना है, तो भी हम कहीं पे भी टैग्स कहीं पे भी इस्तेमाल होते हैं तो आप उसी के आगे यू लगाओगे और देन उसी के बाद यू क्लोज कर दोगे। सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करोगे तो आप फ्रेंड देख रहे हो कि स्टार्ट के नीचे अंडरलाइन आ चुके हैं, यानी आप किसी भी टैग को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने छोटे छोटे चैप्टर बनाए हैं ताकि किसी भी तरह का डाउट ना हो चैप्टर को समझने में। वीडियो कैसे लगी शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस कम्युनिटी में जोड़िए ताकि आप DNE के चैप्टर को सीरियल वाइज और धीरे धीरे करते हुए इसको एंड करें।